आम के अचार तो हर किसी ने कई वैरायटीज के खाए होंगे। हमारा जो आज का अचार है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि आप इसको व्रत में भी खा सकते हैं। ये सिर्फ 5 से 6 मिनट में बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बनकर प्रिपेयर हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं इसकी प्रिपरेशन। इस अचार को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 केजी कच्चे आम, जिनको अच्छे से वॉश कर लेंगे, पील ऑफ कर लेंगे और उनको ग्रेड कर लेंगे। उसी के रेशियो में चाहिए 400 ग्राम चीनी, कुछ खड़े गरम मसाले लेंगे जिनको कूट लेंगे और सेंधा नमक लेंगे। खड़े गरम मसाले में हमें चाहिए 2 बड़ी चम्मच जीरा, 2 से 3 इंच तक की दालचीनी, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग और 2 छोटे चम्मच काली मिर्च के। कढ़ाई में जो हमारे ग्रेट किए हुए कच्चे आम थे उसको हम ऐड करेंगे। उसी में ऐड करेंगे चीनी। सारी चीनी को ऐड कर देंगे जो हमारी 400 ग्राम चीनी थी। अब धीरे धीरे स्पैचुला से इसको चलाएंगे जब तक कि चीनी अच्छे से मेल्ट नहीं हो जाती है। धीरे धीरे इसको चलाते रहिए, चीनी अपने आप ही मेल्ट हो जाएगी। देखिए चीनी पूरी तरीके से मेल्ट हो गई है। हम गैस की फ्लेम को एकदम स्लो कर लेंगे और धीरे धीरे इसको चलाते रहेंगे। ये हमारी चीनी मेल्ट होने के बाद अच्छे से रिड्यूस हो चुकी है। अब इसी स्टेज पर हम ऐड कर देंगे खड़े गरम मसाले और उसी के साथ नमक भी ऐड कर देंगे। यहाँ पर हमने सेंधा नमक इस्तेमाल किया है क्योंकि इसको हम व्रत में खाने वाले हैं। हमारा अचार बनकर तैयार हो गया है। गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। बहुत अच्छी इसमें से खुशबू आ रही है। अचार ठंडा हो गया था, अब इसको हम एक कांच के कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे। आप इसको 1 साल तक स्टोर करके रख सकती हैं। आप इसको व्रत में खाइए, पूड़ी के साथ खाइए, पराठे के साथ खाइए, बच्चों के टिफिन में दीजिए, क्योंकि बच्चों को तो ये बहुत पसंद आने वाला है, आम का खट्टा मीठा अचार। अगर आपको हमारा ये अचार पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक यू।